बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, जो अपने सपनों पर भरोसा करते हैं भविष्य उनके लिए सुनहरा होता है। नंबर दो, जीवन के किसी भी दिन का पश्चाताप ना करें, अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन अनुभव देते हैं, खराब दिन कुछ सिखाते हैं और सबसे अच्छे दिन महत्वपूर्ण यादें बनाते हैं। नंबर तीन, मुश्किल रास्ते अक्सर शानदार जगहों पर लेकर जाते हैं। नंबर चार, जीवन का सबसे बड़ा सत्य गिरना नहीं बल्कि गिरने के बाद हर बार का होना है। नंबर पाँच, बुरे अनुभव लोगों और पैसों के द्वारा खुद को कभी नियंत्रित ना होने दें। नंबर छः, जिंदगी जब तक मुश्किल नहीं होती तब तक आप उसे बना नहीं देते। नंबर सात, आप अपनी स्वयं की जिंदगी के कलाकार हैं, इस पर कलाकारी दिखाने का मौका किसी को ना दें। नंबर आठ, चेहरे पर मुस्कान रखना वो सुंदरता है जिसे हर कोई धारण कर सकता है। नंबर नौ, दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ों को ना तो देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है बल्कि उन्हें हृदय में महसूस किया जाता है। नंबर दस, अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन नाम के ब्रिज को पार करना पड़ता है। नंबर ग्यारह, जीवन की अनमोल ज्ञान की बातें। अगर जिंदगी को खूबसूरती से जीना है तो खुद की दूसरों से तुलना किए बिना हर पल आनंद लेना सीखें। नंबर बारह, सफलता उन्हीं लोगों को हासिल होती है जो जीवन में कड़ी मेहनत कर अपना रास्ता बनाना जानते हैं। नंबर तेरह, जिंदगी की जंग में अक्सर वही जीतता है जो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है। नंबर चौदह, आप जिंदगी में कई चुनौतियां का सामना करेंगे लेकिन खुद को कभी हारने ना दें। नंबर पंद्रह, सकारात्मक होने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ सही है बल्कि यह हर चीज में कुछ ना कुछ सही देखने की प्रेरणा है। नंबर सोलह, ज्ञान की बात उसी के लिए काम की है जो उसे दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में उतारता है। नंबर सत्रह, आपको खुशियां से भरी जिंदगी मिलती नहीं है बल्कि आपको इसे बनानी होती है। नंबर अठारह, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। नंबर 19, जिंदगी एक साइकिल की तरह है, इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। नंबर 20, सफलता तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है, आपको हमेशा मेहनत की सीढ़ियों से होकर जाना पड़ेगा। नंबर 21, आपको जीवन में किसी भी चीज़ का पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो यह एक शानदार याद है और अगर कोई चीज़ खराब है तो यह एक अनुभव है। नंबर 22, सपना कोई जादू नहीं है जो बिना मेहनत के किए भी सच हो जाए, इसके लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प जरूरी है। नंबर 23, ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं बल्कि जीवन का अर्थ जानने के लिए बंद आंखों को खोलना। नंबर 24, अगर आप सिर्फ मुश्किलों पर ध्यान लगाएंगे तो आगे बढ़ने की राह में आप खुद ही खुद के लिए बाधा बन जाएंगे। नंबर 25, मनुष्य को जीवन में उन्हीं चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में उनके लिए महत्व रखती है। नंबर 26, दूसरों की कमियां निकालने के बजाय खुद की प्रतिभा पर ध्यान दें तो मुश्किल से मुश्किल मार्ग को आसान बनाया जा सकता है। नंबर 27, हो सकता है कि दुनिया की नज़रों में कमज़ोर हूँ लेकिन खुद की नज़रों में कभी नहीं। नंबर 28, हर मनुष्य के लिए प्रकृति है, ध्यान देने योग्य ऐसी हजारों चीज़ हैं जिनसे वो लाखों ज्ञान की बातें सीख सकता है। नंबर 29, हो सकता है कि किसी की सुंदरता एक बार के लिए आपका ध्यान खींच ले लेकिन अच्छा स्वभाव ही आपको हमेशा के लिए आकर्षित कर सकता है। नंबर 30, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो मन में यह ध्यान कर लेना कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। नंबर 31, हर वक्त किसी के साथ टाइम पास करने से अच्छा है कि अपने जीवन पर ध्यान दें और उसे बेहतर बनाए। नंबर 32, अच्छे आदमी बने लेकिन इसे साबित करने के लिए अपना समय खराब ना करें। नंबर 33, अपने दिमाग को हर चीज़ में कुछ अच्छा ढूंढने के लिए प्रशिक्षित करें। नंबर 34, दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए बजाय खुद के लिए मेहनत करना शुरू करें वरना यह ज़िंदगी यूं ही बिना कुछ किए गुजर जाएगी। नंबर 35, अगर अरबों लोगों की भीड़ में से अलग दिखना है तो कुछ खास करके दिखाना जरूरी है। नंबर 36, अगर आप आसमान छूना चाहते हैं तो धरती पर टिके रहने की कीमत को जानना होगा। नंबर 37, महान लोगों को अच्छाई हर कोई बताता है लेकिन महान बनने के लिए कोई नहीं कहता है। नंबर 38, यह आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन में कुछ खास करना चाहते हैं या नहीं। नंबर 39,
समय एक ऐसा तूफान है जिसमें हम सभी खोए हुए हैं। नंबर 40, समय किसी के लिए इंतजार नहीं कर पाए, इसलिए जो करना है उसके लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।